एक कहावत है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर एक फिल्म बनी थी, उसमें एक गाना ये भी था। लेकिन आपसे कहें कि इसी खेल कूद ने एक गांव के 170 लोगों को रोजगार दिया, और वो भी सरकारी, तो आप यकीन नहीं करेंगे। फुटबॉल भले ही भारत में उतना लोकप्रिय ना हो जितना कि क्रिकेट है, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां इस फुटबॉल ने एक नहीं, दस नहीं, बल्कि 170 लोगों को सरकारी रोजगार दिलाया है। जी हां, हम भारत के फुटबॉल वाले मक्का कोलकाता की बात नहीं कर रहे हैं, ये है जिलों की नगरी का एक गांव। ये उदयपुर का फुटबॉल विलेज जावर माइंस है। जावर में देश की सबसे बड़ी जिंक खदाने हैं, लेकिन इस आदिवासी गांव की पहचान यहां के अनूठे मोहन कुमार मंगलम फुटबॉल टूर्नामेंट से है। ये टूर्नामेंट सरकार नहीं कराती, इसे कराते हैं यहां के मजदूर। जिंक में काम करने वाले मजदूर पिछले 42 साल से ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। जावर माइंस में नौकरी करता हूँ, हिंदुस्तान जिंक में। मैं 87 में भर्ती हुई है, मेरी खेल बेस पे भर्ती हुआ हूँ। मैं 86 में मैं संतोष ट्रॉफी खेल के आया हूँ भिलाई स्टील प्लांट में। यहाँ जावर माइंस में बहुत सारे प्लेयर हैं जो खेल बेस पे ही लगे हुए हैं नौकरी, और अच्छे खेलते हैं फुटबॉल भी, और यहाँ पब्लिक भी रुचि लेती है इस फुटबॉल में, और बहुत सारे लोग, कम से कम 100-150 प्लेयर्स हैं यहाँ पर खेलने वाले, और अच्छे खेलते हैं। और हमारे यहाँ एक ही टूर्नामेंट होता है जो ऑल इंडिया लेवल का होता है, पूरे राजस्थान में पहला टूर्नामेंट है जो यहाँ इतनी पब्लिक आती है, और अच्छा टूर्नामेंट होता है, और हम इस फुटबॉल खेल बेस पे ही लगे हैं नौकरी। हाँ, आज आपका गुजारा इस फुटबॉल से चल रहा है क्या? जी हाँ, आज मैं जो भी हूँ इस फुटबॉल बेस पे ही हूँ, और मेरी नौकरी फुटबॉल बेस पे ही लगी है। 86 में संतोष ट्रॉफी खेल के आया, उसके बाद में 87 में मेरी नौकरी लग गया एक साल में फुटबॉल खेलते हुए। मैं गांव में किस तरह का क्रेज है फुटबॉल को लेकर? जावर माइंस के अंदर में फुटबॉल बहुत अच्छे से मानते हैं, और फुटबॉल की तरफ बहुत ही ध्यान देते हैं लोग। जावर माइंस करीब 200 परिवारों का एक गांव है। यहां पढ़ाई से ज्यादा फुटबॉल खेलकर लोगों को नौकरी मिलती है। गांव के करीब 170 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कभी इस टूर्नामेंट में खेले, अब सरकारी नौकरी में है। कोई स्कूल में पीटीआई है, तो कोई सब इंस्पेक्टर। अभी मैं शारीरिक शिक्षक पद पे कार्यरत हूँ, राजकीय यूपीएस रेवदर तहसील में सिरोही डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं इस गांव में फुटबॉल के अलावा कोई खेल नहीं खेला जाता, और इसकी बानगी यहां खेलते हुए बच्चों को देखकर ही लगाया जा सकता है। क्रिकेट के भगवान भले ही सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, लॉर्ड स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, लेकिन जावर माइंस के घरों में महिलाएं फुटबॉल की पूजा करती हैं। कहते हैं भारतीय फुटबॉल टीम की कमान संभाल चुके कई कप्तान भी उदयपुर के इस गांव में आकर खेल चुके हैं। कभी गांव में 6 लोग पंचर फुटबॉल से प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब एयरफोर्स, रेलवे, बैंक, पुलिस सहित सभी राज्यों की टीमें यहां फुटबॉल खेलने आती हैं। मैच देखने के लिए भी आसपास के 30 से ज्यादा गाँव के हजारों लोग जुटते हैं। स्टेडियम भर जाने के बाद इसके पास की पहाड़ी भी दर्शकों से भर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।